देवरा में लगा। पहले कहा देवरा वाले नहीं, अरे हम जब किसान कहा करे देवरा है, कहा ले जाए देवरा। और देवरा भी ऐसे कि छन्ना में से भी नीचे निकल जाए गेहूं के संगे। और इस साल भी फसल का एक एक दाना खरीदेंगे, चिंता मत करना मेरे बहन और भाइयों, कोई तो चिंता करने की जरूरत नहीं। वो किसान का पैसा खाता था, भावांतर का भुगतान नहीं किया, वो यहां की सिंचाई की योजना खाकर। गोपाल भार्गव जी पंडित जी तुम्हारे काले उठाने का यार सौदे क्या हो, सौदंडी है बुंदेलखंडी, बीडी सरका का उठाने गए, छतरपुर का उठाने गए। और मेरे बहन और भाइयों, ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के काम किए थे, सारे के सारे ठप। सड़क नहीं, सिंचाई की योजना नहीं। जयंत भैया बैठे, जयंत भैया बताओ कितनी सिंचाई की योजना बनी, सत्ता में कौन ने बनवाई बताओ, पंचम नगर कौन बनवा रहा हो बताओ। एक नहीं, इसी दमोह जिले की धरती पर जयंत मलैया जल संसाधन मंत्री थे, सिंचाई की योजना का जाल बिछाया। तो बताओ कांग्रेस ने कभी बिछाया था क्या? आज जोर से बताना, बिछाया था क्या? कौन ने दी सिंचाई की योजनाएं? और राहुल भैया देख लो बहुत सीधे हो यार, कह रहे फलानी फलानी चीज है, मैं विधानसभा में उठाऊंगा, विधानसभा में कार्ड उठाइए, मुख्यमंत्री जहां खड़ा हो बताओ भी कर देते, कैसी दिक्कत है, विधानसभा में कार्ड उठाओगे भाई? अरे हम कोई कमलनाथ थोड़ी है, अभी कई दिन बाहर रह तो सोचा तो है मुख्यमंत्री का पता करे कि नहीं करे। अरे हम कमलनाथ थोड़ी है, हम तो मम्मा है मम्मा। विकास का कोई काम नहीं छोड़ेंगे राहुल। और एक बात और सुन लो भाई, केवल सड़क नहीं खाई, केवल सिंचाई की योजना नहीं खाई, केवल मेडिकल कॉलेज नहीं खाए, यहां की सिंचाई की योजना कभी नहीं खाई, इनने तो संबल योजना तक बंद कर दी थी भैया। संबल योजना गरीबों की बंद कर दी। ए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, मैं मुख्यमंत्री था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने तय किया था कि जितने गरीब भाई बहन है कोई जाति समाज के हो, संबल में जिनका रजिस्ट्रेशन है उनके बेटा बेटी पढ़ेंगे, और पढ़ाई की फीस चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चले जाए तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। अब इन बच्चों की फीस ही खा गए, योजना बंद, प्रभु राम जी करते लैपटॉप खा गए, योजना बंद। मेरी बहनों, अरे बेटा बेटी को जन्म देती थी गरीब पहले, तो जन्म देने के पहले 12,000 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देता था, कुल 16,000, ताकि गरीब बहना के घर भी लड़ुआ बन जाए। बड़े बड़े घरों में तो माए कैसे आ जाए, गरीब बहने कहां से लड्डू खाए? इसलिए 16,000 दिए थे, एक अमरनाथ श्रम नहीं आई दे, वो 16,000 भी खा गए। और केवल इतना ही नहीं, बेटियों की हम शादी करते थे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अगले देख लीजिए कमलनाथ बना 51,000 देंगे, शादियां हो गई, बेटी डोली में बैठ गई, विदाई हो गई, ससुराल चली गई, और कई जगह तो भाने जो और भांजियां भी आ गई, मन कमलनाथ के 51,000 नहीं आए। बेटियों को तो उनके 51,000 खा गए। मेरे बहन और भाइयों, अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी हम 4,00,000 देते थे ताकि गरीब परिवार की जिंदगी चल जाए, वो 4,00,000 खा गए। सामान्य मृत्यु का 2,00,000 देते थे, वो 2,00,000 कमलनाथ दिग्विजय सिंह खा गए।
अरे और तो अंतिम संस्कार के लिए मरने के बाद ये मामा 5000 रुपया कफन के चिता के इंतजाम के लिए भेजता था। कमलनाथ तुमको कफन के भी 5000 खा गए गरीबों के 5000 खा गए। आज ये मुंह मिला के बात करते, आज ये सबकी बात करते। मेरे किसान भाइयों भाव अंतर भुगतान योजना खा गए, उनका पैसा खा गए। आप बताओ जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे फसलें खराब हुई कई जिलों में, बताओ कोई ये ढेला दाद होगा? अरे दिया ना जो ढेला, एक पैसा नहीं दिया। ये मुआवजे के खा गए, ये राहत के खा गए, ये फसल बीमा योजना के खा गए। और सुनो मेरे किसान भाइयों, मुख्यमंत्री बन के सबसे पहले अगर कोई आदेश मैंने किया तो 2019 की फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ कमलनाथ ने जमा नहीं किए थे, इसलिए 3100 करोड़ किसानों को नहीं मिल रहे थे। मैंने 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम जमा करके कोरोना के संकट में 3100 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में डलवाने का काम किया। तो मामा ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसके बाद फिर 2019-20 के फसल बीमा योजना के 4600 करोड़ रुपया दिलवाए, 8800 करोड़ रुपया किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के डाले, तो शिवराज सिंह चौहान ने डाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले। कभी दिए कांग्रेस ने पैसा? इस बार भी राहत के पैसे हमने अलग दिए, मुआवजे के हम अलग दे रहे। और इस साल भी सोयाबीन जिस जिसका खराब हुआ है, कोई चिंता मत करना, राहत की राशि के साथ फसल बीमा योजना की पाई पाई देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसकी प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने 6000 दिए किसान सम्मान निधि, दिल्ली का मामा तू भी चौथी बार बन गए रे। प्रधानमंत्री 6 दे रहे हैं तो 4 तो डाल दे चौथी बार के, तो 6 में 4 मिला के 10 कर दिए। और ये तो कोरोना के संकट में है, और पैसा आन दो ब्यागट कर दूंगा, चिंता मत करो। अरे कांग्रेस की सरकार में किसानों खाते में कहीं पैसा आया क्या? जोर से बता, आया क्या? अब जरा खाते देखते रहना, हर महीने डालूंगा, हर महीने कोई ना कोई चीज का डाल रहा हूं। अब तक 89,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आ गए। गरीबों की संबल योजना फिर चालू हो गई है, बेटा बेटियों को लैपटॉप फिर दे दिया। और सुन लो, भाषा में उपस्थित रहना और भाइयों बच्चों को खूब पढ़ाओ, चिंता मत करना। अब मामा आ गया है, फिर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस मामा ही भरवाएगा, चिंता मत करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धासने मार दिए जाते हैं कांग्रेस, कौन सा काम किया? रेल झूठ और बोल रहे, राहुल ने बड़ी गड़बड़ कर दी, सत का पौधना काजी गड़बड़ कर दी। भैया ये प्रभुराम चौधरी बैठे पैसा खाते थे, कोई 64,000 करोड़ से जिताता क्या? बता दो, जिताता कोई? ये 64,000 करोड़ से जीत के बैठे। गोविंद सिंह राजपूत अभी अस्पताल में भर्ती है, कोरोना हुआ है ठीक हो रहे हैं, उनको 40,000 से ज्यादा वोटों से जिताया। कोई 64,000 से जीत रहा है, कोई 57,000 से जीत रहा है, कोई 53,000 से जीत रहा है, कोई 40,000 से जीत रहा है, कोई 64,000 से जीत रहा है। अरे कोई बेईमानी करते तो जनता जिताती क्या? तुम्हारे कर्म खराब थे कमलनाथ, और इसलिए जब भी विकास की बात करे, ये राहुल जाए मेडिकल कॉलेज, चले चलो चले चलो, टाइम नहीं मेरे पास, कहते थे 24 घंटा है 26 घंटा नहीं है, चलो 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 चलो। ये जाए सिंचाई की योजना, बोले चलो चलो। ये क्या मेडिकल कॉलेज, बोले चलो चलो। ये क्या पीने का पानी, बोले चलो चलो। तो एक दिन राहुल ने भी कहते कि बेटा कमलनाथ अब तुम भी चलो 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 चलो, अब छोड़ के हमारे पास आए, तब कोई जरूरत थोड़ी थी, ईमानदारी की बात हमें क्यों? अरे हमें जरूरी थोड़ी थी भैया,
बाईस इकट्ठे प्रभु राम जी आ गए सब तो सिंधिया जी चले आए। अच्छा वहां करते क्या बताओ, पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, विकास के पैसा नहीं, खजाना खाली है, खजाना खाली, मामा लूट ले गया, मामा लूट ले गया, मामा लूट ले गया। अरे मामा नहीं हो गया, औरंगजेब हो गया, पैसे नहीं करते क्या। राहुल ने कही आके भाई साहब मुझे तो मेडिकल कॉलेज चाहिए, मुझे समझाना। मैंने कहा भैया सोच समझ लो, बोले नहीं मैंने तो सोच लिया। मैंने बहुत कहा कि राहुल खूब सोच लो, बोले बात कुछ नहीं है, मैं करूंगा क्या, मैं सिंचाई का पानी करवा नहीं पा रहा, मैं नहर करवा नहीं पा रहा, मैं मेडिकल कॉलेज करवा नहीं पा रहा, मैं सड़क करवा नहीं पा रहा। तो बोले जब मैं बाद में जाऊंगा तो जनता दोचेगी मारेगी, बोले मैं करूंगा क्या। और इसलिए मुझे नहीं चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, ना विधायक चाहिए, मैं तो छोड़ के आपके पास आ रहा हूं। बस मेरी एक ही शर्त है, शर्त एक रखी थी राहुल ने, और वो शर्त रखी थी कि मेरे यहां मेडिकल कॉलेज दे दो, मेरे दमोह में मेडिकल कॉलेज बन जाए तो मेरी जनता को ढंग से इलाज मिल जाए। और हमने भी कहते जा राहुल अगर इसकी तरफ है तो जाओ, इस्तीफा दे रहे हो दे, मेडिकल कॉलेज मामा देगा, चिंता मत करो, तुम्हारी बात पूरी हो जाए। और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर लिया। छतरपुर की बात कर रहे हैं, छतरपुर का मेडिकल कॉलेज कौन लेगा, कौन लेगा छतरपुर, मैं पूरा शिलान्यास करके पैसा मंजूर कर देगा। ये कमलनाथ दादा छतरपुर के मेडिकल कॉलेज था, मैंने फिर से स्वीकृत कर दिया, छतरपुर का भी कर दिया, दमोह का भी कर दिया, सिंचाई की योजना के लिए पैसा नहीं दिया। मेरे बहनों भाइयों ईमानदारी से बताना, जिस पार्टी में रह के कोई विकास का काम कर ही नहीं पा रहे थे, भाई ये राहुल क्या करते पांच साल बताओ, आज दिल पे हाथ रख कर मुझे बता, बोलो भाई रहना था क्या राहुल को, अरे सब बताओ भैया रहना था क्या, पैसा ना देगा बटो सिर का मेला कर देगा भैया बताओ। और जो राहुल आए हमने स्वीकार कर लिया, एक धेला एक फूटी कौड़ी राहुल ने ना तो कभी मांगी ना कभी कोई बात की, इसने मांगा मेरे बहनों भाइयों को केवल जनता के लिए मेडिकल कॉलेज मांगा। और अभी मुझे सिंचाई की बात कर रहे, कहां की सिंचाई की बात कर रहे, अरे डर का करे यार बोलो, मंडपा पर हाँ तो मंडपा पर तालाब बना देंगे, काय की चिंता कर रहे हैं, मैं काय के लिए, आप बताओ ईमानदारी से भरोसा है कि नहीं सबको, सत्ता का विश्वास है, तुम मांग के जाना, जो जो हो सकता है वो हम करते जाएंगे, काय की चिंता करते। अच्छा बताओ कांग्रेस में लेकर करेंगे क्या, ये मंच बैठा है यहाँ पे, ये भूपेन्द्र सिंह बैठे भैया दमो इसलिए पैसा में कसर तो नहीं रखोगे, ये नगरीय विकास मंत्री बैठे वो बैठे हैं बुंदेलखंड के से, सड़कों में कंजूसी तो नहीं करोगे भैया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी बैठे प्रभुराम चौधरी, अस्पतालों में कसर तो नहीं करोगे, ये जयंत मलैया हम सबके ऊपर हम सबके नेता बैठे भैया विश्वास है कि नहीं दमो के लिए, ये बाबा जी बैठे पहले मंत्री रहे, आप बताओ ये सब यहां बैठे भाका धरो भैया भाका रहे कौन जा तो बता दो। अरे ईमानदारी से तो सोच लो, ये ढाई तीन साल बर्बाद करने का कोई मतलब है, क्या करेंगे कांग्रेस को वोट देंगे, क्या करेंगे कांग्रेस को वोट देंगे, क्या धरा है कांग्रेस, उनके तो नेता राहुल का ही ठिकाना एकाना नहीं है, कब कहा कहते भैया अमेठी में हार गए तो उधर पहुंच गए बाय ना, वो कांग्रेस कुछ कर पाएगी क्या। ये कमलनाथ और दिग्विजय मध्यप्रदेश को लूट के खा गए, जनता का पैसा काटा, मध्यप्रदेश को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया, वन भवन दलालों का अड्डा था, वह विधायकों की पूछ नहीं थी, और ठेकेदार आ जाए तो ले जाओ और ले आओ, कितने रुपया पकड़ाए थे इनकम टैक्स में, पकड़ा दे कि नहीं पकड़ा देता, अरे पता है कि नहीं है, बोरों से पकड़ा है, ये धन खाने वाले, ये विकास रोकने वाले, ये पैसा खाने वाले, ये भला करेंगे कभी,
मेरे बहनों और भाइयों, जितनी भी योजनाएं यहां की थी विकास की, एक बार फिर से शुरू कर दी। और आज मैं कह रहा हूं, सुन लेना, इसी साल दमोह जिले में ये गोपाल भार्गव बैठे 205 करोड़ रुपए की तो 9 सड़कें और पुलों को स्वीकृति दे दी। ये बांसा तारखेड़ा की सड़क भी बन रही है, वो भी स्वीकृत कर दी गई है। पेयजल के लिए सुन लेना मेरी बहनों, हमने जो पेड़ पानी की योजना मंजूर की है, दमोह पटेरा योजना से लगा के अलग अलग जो योजनाएं थी वो सारी की सारी हमने शुरू की है। 770 करोड़ रुपए की लागत से दमोह पटेरा, जबेरा तेंदुखेड़ा, बक्सा समूजल प्रदाय योजना, इन योजनाओं से दमोह जिले के 702 गांवों में पानी जाएगा। और पानी कैसे, टंकी बना के टंकियों में पानी भरेंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, घरों में टोटी वाला नल लगाएंगे। मेरी बहनों, अभी हैंडपंप पे पानी भर भर के पानी उठा के जब मुंडी पे रखती है गगरा और गुण, तो खोपड़ी की हालत क्या हो जाती सोच लो। और पानी भरने भी कौन बेटा को थोड़ी भेजते, जहां वो पानी भरना, बेटी को भेज दो पानी भरते। आज मैं ये कहने आया हूं, 3 साल के अंदर इन योजनाओं पर काम चल रहा है। दमोह जिले के केवल दमोह विधानसभा की नहीं कह रहा, बासा के आसपास दमोह विधानसभा क्षेत्र और पूरे दमोह जिले में घर टोटी लगा के नल जल योजना का पानी आएगा। टोटी खोलेंगी तो झर झर पानी निकलेगा, गुंड और गगरा घर ही भर जाएंगे। बताओ कांग्रेस कभी कर सकती थी क्या ये, जोर से बताओ कर सकती थी क्या, घर घर पानी। किसान भाइयों, श्रद्धालु पंचम नगर सिंचाई की जितनी योजनाएं उनके लिए फिर पैसा स्वीकृत कर दिए, बंद योजनाएं फिर से चालू कर दिए, उनका काम पूरा होगा तो सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। दमोह जिले में हमारी कोशिश होगी कि कोई इलाका किसान का ऐसा ना रहे जहां सिंचाई का पानी ना दे। दमोह में मलैया जी ने बहुत कोशिश की, एक बार उनके लिए भी तालियां बजाओ पानी के लिए, सिंचाई के पानी के। बाबा जी जब कृषि मंत्री होते थे, पंचम नगर योजना हमने मंजूर की, ये सबकी सब योजना पर काम कर रहा है। और छोटी मोटी रह गई राहुल तो चिंता मत करना भैया, तुम तो बताते रहना, जब लाए हैं तो यार ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे पकड़ के, जब तुम जानो तुम्हारा काम कर रहे। निभाएंगे तो पूरी तरह से निभाएंगे। पीने का पानी, सिंचाई की योजना, सड़कों का जाल, और आज में बात आया तो मुझे बच्चे मिले थे कि मामा खेल पर सब चाहिए रे, अपने घोषणा पत्र में लिख दो शानदार खेल परिसर बनाया जाएगा, यहाँ बच्चे खेलेंगे, रस्ते में मिल जाए। और जब वो भी किया जाए, जितने काम विकास के वो है काम, सूची तो दे दो यार, ये सूची रखी है, इनने जितने बताए, मंडपा महाराज के पास इमरिया लाजी तालाब की बात इनने कही है, मंडपा के लिए सीसी रोड, बादशाह में डैम के पास घाट निर्माण करवा देंगे, घाट में लगता क्या, थोड़े से तो लगते ही, बहुत ज्यादा थोड़ी लगते हैं, लगे तो क्या की चिंता, पैसा वैसा कमी अपने पास थोड़ी है, हम कमरदार थोड़ी है। वो कहते थे है ही नहीं, मैं कहता हूं कमी नहीं है। अरे ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो रोता ही है कि पैसा ही नहीं है तो मुख्यमंत्री को चाह देगा भैया। अच्छा ये तो बड़ा आसान काम है, पैसा नहीं है, कोई भी कह दो धनु बनना कल्लू बनना चुनू बन कोई को बिठा दो, और वो कहते पैसा ही नहीं है। मैं कहता हूं कमी नहीं है, कोई कमी नहीं रहने दूंगा, चिंता मत करो, सारी बंद योजना फिर से चालू कर रहे, स्ट्रीट वेंडर सामान पर सड़कों पर सामान बेचने वाले 10-10 हजार रुपए उनको काम धंधा चलाने के लिए दिया है, मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लोगों को दिया है, लगातार वो पैसा देना जारी रहेगा। मेरी ट्रेन बहन ग्रुप की बहने
उनके स्वसहायता समूह को मजबूत बनाने के लिए हर महीने पैसा डाल रहे हैं। इस साल महिला स्वसहायता समूह के खाते में 1397 करोड़ रुपए डाल चुके हैं। उनके काम धंधे भी शुरू करवाएंगे और हर गरीब बहन की आमदनी कम से कम बढ़कर 10,000 रुपया महीना हो जाए तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। आज मैं आया तो 1891 लघु उद्योगों का उद्घाटन या शिलान्यास करके आया। गांव गांव लघु कुटीर उद्योगों का जाल खोला जाएगा। हर साल 1 लाख, हर महीने 1 लाख रोजगार के अवसर, जिसमें केवल सरकारी नहीं, सरकारी के लिए नहीं हो सकते, गैर सरकारी छोटे छोटे उद्योग, उनका जाल बिछाया जाएगा। और दबाव में जो विकास के काम रुक गए थे, अब मैं फिर से आपको वचन देता हूं कि विकास की गंगा फिर से बहाई जाएगी और दबोह को मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी विधानसभाओं में से एक बना के चैन की सांस लूंगा। मेरी आप सबसे अपील है, उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। बताओ दिग्विजय सिंह पे कोई भरोसा कर सकता है क्या? जोर से बताओ, कर सकता है क्या? कमलनाथ दादा पे कोई भरोसा कर सकता है क्या? अब बताओ मामा पे विश्वास है क्या? सब बताओ है क्या? तो मैं वचन दे रहा हूं आपको, यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये आपने जो अलग अलग काम लिखे, रोड का निर्माण, ये चोर मार चित्राव से चोर मार रोड, ये रोड अब एक एक का पढ़ना दे देना। ये पानी का संकट सब समाप्त कर देंगे, चिंता की बात नहीं। स्टेडियम की कही है तो खेल परिषद बना देंगे। मेरे बहन और भाई, मेरी आपसे यही अपील है कि उनकी बातों में मत आइए। ये राहुल ईमानदारी से काम करें, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। राहुल अकेले नहीं रहेंगे, इनके साथ जयंत मलैया रहेंगे, इनके साथ गोपाल भार्गव रहेंगे, इनके साथ भूपेंद्र सिंह रहेंगे, प्रभुराम चौधरी रहेंगे, बाबा जी भी हमारे, प्रहलाद पटेल जी रहेंगे और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इनके साथ खड़ा रहेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, कमल के फूल की बटन दबाए, राहुल को आपका विधायक बनाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए और विकास की जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंप जाए। बोले सब तैयार हैं? एक बार जोर से सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, राहुल को विधायक बनाएंगे। तो सुनो रे मेरे भैया, आज सब खड़े होकर संकल्प लेंगे बासा की सभा में कि राहुल को जिताने में, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम भी कमल के फूल की बटन दबाएंगे और बाकी सबसे भी कमल के फूल की बटन दबाएंगे। बोलो तैयार हो तो डालो हाथ, बारो बारो उठी पंजाबी बजरंग बली का मुक्का और ले लो संकल्प भाजपा को जिताने का। भारत माता की जय बोल दे, बोले भारत माता की, भारत माता की, जागेश्वरनाथ महादेव की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मनमोहन जी, आदरणीय भाई साहब का एक सम्मान पत्र के माध्यम से सम्मान करना चाहते हैं। आदरणीय मनमोहन जी, हमारे